खबर झांसी जनपद से, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रदेश भर में लगातार महासंग्राम जारी है। झांसी जिले की चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस ने झांसी सदर सीट व बबीना विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित नहीं किए थे। जैसा कि आपको बता दें कि कांग्रेस की झांसी सदर सीट को लेकर लंबी सूची होने के कारण घमासान जारी था। कांग्रेस की इन सीटों को लेकर काफी समय से इंतजार चल रहा था, जो आज आकर खत्म हुआ और कांग्रेस ने अपनी दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें झांसी सदर सीट से राहुल रिछानिया के नाम पर मुहर लगाई, तो वहीं बबीना विधानसभा से पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी उर्फ चंदू को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। झांसी जनपद से मोहम्मद जावेद मकरानी की रिपोर्ट। पार्टी ने आपको विश्वास जमा के झांसी टिकट दिया, क्या कहना चाहिए पार्टी के लिए? देखिए, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास किया आदरणीय प्रियंका जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी ने जिस तरीके से मुझ पर विश्वास किया, बहुत अच्छे। मैं झांसी की जनता के बीच में जाके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ये चुनाव जीतूंगा, और जिस तरीके से पूर्व में मेरे बाबा ने, मेरे पिता ने झांसी की सेवा की, उसी तरीके से झांसी की सेवा के लिए आजीवन तत्पर रहूंगा। अगर आप जीतते तो क्या करेंगे, क्या काम कराएंगे? देखिए, वर्तमान में जो झांसी की बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे कि पेयजल समस्या, कितनी बड़ी विडंबना है मेरे भाई कि 10 साल से आप यहाँ पर लगातार आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, और हमने पेयजल के लिए, पीने के पानी के लिए अपने कुछ भाइयों को, अपनी कुछ बहनों को, अपनी माताओं को खो दिया। सबसे पहले मैं लड़ाई लड़ूंगा कि हर घर में पानी पहुंचे, चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी मौसम हो। बारिश में यहाँ पर सड़कें पानी से जाम हो जाती हैं, सड़कों की बुरी स्थिति है, इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। वर्तमान में जो सरकार है, कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहने लायक रह गया है? वर्तमान जो व्यवस्था है सिर्फ डंडा राज है, बहुत बुरी स्थिति है। आपसे कोई चीज नहीं छुपी, क्योंकि आप तो दर्पण हो समाज का। उत्तर प्रदेश में अगर आपकी सरकार आती है तो किस तरीके की कानून व्यवस्थाएं रहेंगी? 100% बहुत अच्छी तरीके से रहेंगी। नारी का सम्मान होगा, गुंडों को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, उन्हें वो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जो संविधान में, कानून में उनके लिए लिखी गई है। और अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो जैसे पूर्व में आज से 32 साल पहले जिस तरीके से हर जिले में देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी जो परेशानी है, ये छोटा क्षेत्र है, इसमें किसानों की समस्या है, यहाँ किसान ज्यादा है, तो हमें किसानों की लड़ाई लड़ना है, उनकी समस्याओं की लड़ाई लड़ना है। जब तक अगर आपको चुनकी तो क्या क्या काम कराएंगे आप? हम किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, जो समस्याएं हैं वो सामने आएंगी, उन्हें दूर किया जाएगा, तभी किसान आगे बढ़ पाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, कांग्रेस सरकार बनने वाली है? निश्चित रूप से बनेगी। आज प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस खड़ी हुई है, आप निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश। वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्थाओं को क्या कहना चाहिए? क्या कहना है, सारी जनता जवाब देगी ना उन्हें। कानून व्यवस्था जो है वो इतनी लचर है, खराब है, यहाँ आदमी को आदमी नहीं समझा जाता। बीजेपी अपने हिसाब से काम करती है, जाति के हिसाब से काम करती है, वो जनता के हिसाब से काम नहीं करती। जिसने उनको वोट दिया है उसी जनता को भूल रही ना। आपकी सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे? हम तो शुरू से कानून व्यवस्था के साथ रही है कांग्रेस। आज भी हमारे जितने लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उन पर कोई केस नहीं है। तो क्या लगता है, झांसी जिले की चारों सीटें आपके खाते में आने वाली है? बिल्कुल आएंगी।